अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर कई बड़े वार किए। बेशक अमेरिका ने अपनी सेना को यूक्रेन में नहीं भेजा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को अपना संबोधन दिया और इस संबोधन में जो कुछ कहा वो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको 10 जरूरी बातें बताते हैं जिसे समझना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि ये रूस के खिलाफ सबसे बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश का एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिया। अभी तक नाटो के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने रूस के लिए अपना एयर स्पेस पहले ही बंद किया था, और अब अमेरिका ने भी ये बड़ा कदम उठाकर रूस को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन ने अपने संबोधन में सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुतिन ने बिना किसी कारण के यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन उस हमले की वजह से पूरी दुनिया उनके खिलाफ एकजुट हो गई है। जब इतिहास में इस युद्ध को याद किया जाएगा तब सब यही बोलेंगे कि रूस कमजोर हुआ था और पूरी दुनिया मजबूत होकर बाहर निकली थी। तीसरी बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया कि इस युद्ध की वजह से रूस पर लगाई जा रही पाबंदियां उसकी यानी रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुकी हैं। बाइडेन ने इस बात पर जोर देकर कहा कि पूरे नुकसान और बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ पुतिन जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक जितना अकेला रूस इस वक्त है, आज से पहले इतिहास में कभी भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। अब बात चौथी मुख्य बात की, वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। कई बार बोला कि रूस ने इस पूरे युद्ध के दौरान सब कुछ मिसकैलकुलेट किया। मतलब ये कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनका मुकाबला सिर्फ यूक्रेन की सेना से नहीं था, बल्कि उनका मुकाबला यूक्रेन की जनता से था जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थी। पांचवी बड़ी बात यह कि बाइडेन रूस पर बेशक हर तरह के प्रतिबंध लगा दें, लेकिन रूस के खिलाफ अमेरिकी सेना मैदान में नहीं उतरेगी। मतलब अमेरिका सेना जो है वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेने वाली है। छठी जरूरी बात यह कि बाइडेन ने नाटो को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि नाटो की धरती पर कभी भी किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नाटो की जमीन पर हर कीमत पर हम उसे बचाएंगे, एक इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। साथ ही बड़ी बात समझें तो बाइडेन ने अपने स्पीच के दौरान रूस पर एक तीखा हमला किया जिसमें कहा कि इतिहास से हमने सीखा है कि पहले तानाशाह को उसके आक्रमण की कीमत नहीं चुकानी पड़ती थी तो वो और ज्यादा अराजकता फैलाते थे और फिर वो ऐसा करते ही रहते थे। इससे कीमत और खतरे को हमेशा अमेरिका और दुनिया उठाती है। अब बात आठवीं बात की, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इस मुश्किल समय में अमेरिका यूरोपीय संघ काफी मजबूती के साथ कदम मिलाकर काम कर रहा है और इसमें यूरोपीय सहयोगियों को साथ देकर रूस में शासन लाने वाले लोगों, नावों और लग्जरी अपार्टमेंट, उनके निजी जेट विमानों को जब्त किया जा रहा है। नवीं बड़ी बात यह कि रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा जो बाइडेन ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ी बात बोली। उनके मुताबिक कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन उनके पास एक बड़ा प्लान है। उन्होंने बताया कि महंगाई से लड़ने का सबसे असरदार तरीका यह है कि हम अपने खर्च कम कर दें। इससे किसी भी सैलरी में कटौती नहीं है। दसवीं और आखिरी बात कोरोना पर, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से अब टेस्ट टू ट्रीट मुहिम की शुरू की जा रही है और ऐसे में अब कोई भी शख्स किसी पर भी फार्मेसी पर ही अपना कोरोना टेस्ट करवा पाएगा। अगर पॉजिटिव पाया गया तो एंटीवायरल पिल भी तुरंत फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी।